उत्तराखंड राज्य, जिसके कण-कण में खूबसूरती का अनूठा संगम बसा है। यहाँ की प्रकृति मानो कुछ कहती है। बादलों की खूबसूरत चाल, चिड़ियों की चहचहाहट, गगनचुंबी वादियां, वादियों के बीचों बीच मनोरम झील एक अलग ही दृश्य को प्रस्तुत करती है, जिसकी एक झलक से कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। वहां कौन नहीं जाना चाहेगा। जी हाँ, उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित भीमताल एक ऐसा ही शांत और मनमोहक गंतव्य है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। अपनी मनोरम पौराणिक कथाओं से लेकर बाहरी गतिविधियों की प्रचुरता तक, भीमताल शांति और उत्साह का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहाँ की खूबसूरत वादियों में साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, तो वहीं यहाँ शिक्षा एवं अनुसंधान के कार्यों को भी तेजी से किया जा रहा है। भीमताल प्राचीन स्थान है, जिसका नाम महाभारत के भीम के नाम पर पड़ा है। भीमताल एंग्लो नेपाली युद्ध सन 1814 से 16 तक के बीच ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना। भीमताल नैनीताल से भी पुराना है, क्योंकि नैनीताल शहर 150 से 160 साल पुराना है, लेकिन भीमताल का इतिहास काफी पुराना है। झील के केंद्र में स्थित द्वीप एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है, जहां पर आप विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों, मंदिर और एक मछली घर देख सकते हैं। यहां की भीमताल में स्थित मछली पालन करने का एक अनोखा मॉडल प्रस्तुत किया गया है। मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने में कैसे कार्य होता है, मछलियों की विलुप्त होती प्रजातियों को कैसे बचाया जा सकता है, मछली पालक भीमताल ही नहीं अन्य प्रदेशों में किस तरह से अपनाया जा रहा है, इस उत्सुकता को लिए हम निकल पड़े दिल्ली से भीमताल के सफर पर। मकसद था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शीत जल मत्स्यकी अनुसंधान निदेशालय में हो रहे कार्यों को नजदीक से जानने। चलिए सफर के दौरान हम इसके इतिहास एवं हो रहे कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। शीत जल मत्स्यकी अनुसंधान निदेशालय की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 24 सितंबर 1987 को हुई थी। ये संस्थान इस देश की एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय सुविधा है, जहां पर शीत जल की प्रमुख देशी व विदेशी मत्स्य प्रजातियों के पालन पोषण पर अनुसंधान संबंधी अन्वेषण कार्य किए जाते हैं। अपने आरंभिक समय से शीत जल मत्स्यकी अनुसंधान निदेशालय ने शीत जल मत्स्य संसाधनों के मूल्यांकन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख शीत जल मत्स्य प्रजातियों के प्रसार के लिए तकनीकियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यकी अनुसंधान केंद्र की गतिविधियों के विस्तार हेतु तथा विभिन्न हिमालयी राज्यों में संभावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से इस केंद्र को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शीत जल मत्स्यकी अनुसंधान निदेशालय के रूप में स्थापित कर दिया गया, ताकि जम्मू एवं कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश तक तथा दक्षिण क्षेत्रों में मत्स्य की स्थिति व दशा का पता लगाकर इन क्षेत्रों में विशिष्ट तकनीकियों के प्रयोग द्वारा संसाधनों में वृद्धि की जा सके। बातों ही बातों में हमें ये पता भी नहीं चला और लीजिए हम भीमताल पहुंच भी गए, और ये है भीमताल में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का शीत जल मत्स्यकी अनुसंधान निदेशालय। अब बारी है यहाँ के निदेशक से मिलने की। मिलते हैं यहाँ के निदेशक से, उन्हीं से जानते हैं यहाँ हो रहे कार्यों को। मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ये संस्थान पिछले 35 साल से कोल्ड वाटर फिशरीज और एक्वाकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहा है, और इसकी सर्वप्रथम स्थापना 1987 में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्च के रूप में हुई थी, और इसने अपना कार्य करना एक किराए की बिल्डिंग से हल्द्वानी से शुरू किया था, और 2008 में इसको अपग्रेड करके डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्च का नाम दिया गया। और इन 35 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने कई प्रदेश जो हैं उनके क्षेत्रों का जो है सर्वे किया है, और ये पाया है कि कैसे जो है
किस तरह की मछलियां पाई जाती हैं, और अभी तक करीब 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 250 के आसपास मछली की प्रजातियों का पता लगा है जो कि कोल्ड वाटर फिशरीज में पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों द्वारा मछली को जीवन सूचक बायो इंडिकेटर माना गया है। विभिन्न जल स्रोतों में चाहे तीव्र या मंद गति से प्रवाहित होने वाली नदियां हों, चाहे प्राकृतिक झीलें, तालाब अथवा मानव निर्मित बड़े या मध्यम आकार के जलाशय, सभी के पर्यावरण का यदि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि पानी और मछली दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में मछली की विशेष उपयोगिता है। इसी दिशा में DCFR कई नए अनुसंधान को अंजाम दे रहा है। आइए निदेशालय में होने वाले कार्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। निदेशालय के लक्ष्य निर्धारण की बात करें तो इसमें शामिल है शीत जल मत्स्य संसाधन के प्रबंधन, प्रौद्योगिकियों और जल कृषि के मॉडल के विकास से समग्र विकास के लिए रणनीति तैयार करने के लिए उत्कृष्टता का एक केंद्र बनाना। दूरदर्शिता की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में शीत जल मत्स्य पालन, मत्स्य संसाधन के प्रबंधन और पर्यावरणीय पर्यटन द्वारा क्षेत्र की आजीविका सुरक्षा में सहायता प्रदान करना है। निदेशालय के अधिदेश के प्रमुख कार्य हैं शीत जलीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन संबंधी बुनियादी सामरिक और व्यवहारिक अनुसंधान, मत्स्य संसाधन कोष की स्थापना करना, प्रशिक्षण शिक्षा एवं विस्तार द्वारा मानव संसाधन विकास। निदेशालय के भीतर अनुसंधान की बात करें तो यहाँ प्रयोगशाला सुविधाएं जैसे फिश न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल फिश बायोलॉजी एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइलिंग, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, फिश हेल्थ मैनेजमेंट जैसे डायग्नोस्टिक वायरोलॉजी लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी आदि विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित हैं। शीत जल मत्स्यकी में GIS के प्रयोग तथा रिमोट सेंसिंग पर अनुसंधान के आयोजन हेतु एक जियो इन्फॉर्मेटिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इनके अतिरिक्त यहाँ पर एक वैट प्रयोगशाला की भी सुविधा है जिसमें शीत जल की मछलियों पर प्रयोगों एवं पोषण संबंधी परीक्षणों के लिए सुविधा प्रदान की गई है। मछलियों के लिए प्रतिदिन आवश्यक फीड मिल की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थान के मुख्य परिसर में एक फीड मिल की भी स्थापना की गई है। इन सभी प्रयोगशालाओं में होने वाले कार्यों को हम विस्तार से जानेंगे आगे। सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। DCFR भीमताल एक बड़ा संस्थान है जहां मत्स्य पालन के क्षेत्र से संबंधित कई अहम कदम उठाए गए हैं जिनमें सफलता भी मिली है। शुरुआत करते हैं हम आणविक अनुवांशिकी लैब से। स्नो ट्राउट एक अन्य महत्वपूर्ण प्रजाति है जो हिमालय क्षेत्र के मत्स्यकी में योगदान दे रही है। इन प्रजातियों की अनुवांशिक विविधता के बारे में जानने के लिए आणविक मार्कर की सहायता से उनका अध्ययन यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये उनके संरक्षण और प्रबंधन में मदद करता है। रोगजनक मत्स्यों की पहचान के लिए वर्तमान में उपलब्ध तरीकों में समय लगता है और कई उपकरणों की भी आवश्यकता होती थी। इन बिंदुओं पर विचार करते हुए यहाँ के वैज्ञानिकों ने पेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड और सोने के नैनो कणों का उपयोग करके एक सरल रंग आधारित दृश्य परख विकसित किया है जो नग्न आंखों से 20 मिनट के भीतर आसानी से एस पैरासिटिका की पहचान कर सकता है। ये प्रयोगशाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है इस संस्थान की, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो मत्स्य प्रजातियां हैं उससे संबंधित
जो मॉलिकुलर स्टडीज़ है वो कर रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो काम है वो हमारे हिमालय क्षेत्र में जितनी भी मत्स्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति गोल्डन महासीर है और स्नो ट्राउट है। इसके अलावा अन्य प्रजातियाँ भी हैं। तो इससे संबंधित जो हमने अभी तक अध्ययन किया है वो इन प्रजातियों के जो मॉलिकुलर डाइवर्सिटी है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। और इससे हमें ये सहायता मिलती है कि जो हमारी हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां हैं उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। आणविक अनुवांशिकी प्रयोगशाला के बाद अब बारी है पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान प्रयोगशाला की। ये प्रयोगशाला फीड विकास, फीड डेवलपमेंट के लिए निदेशालय की सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशालाओं में से एक है। इस प्रयोगशाला में ठंडे पानी की मछलियों के लिए आहार विकसित करने के लिए मुख्य रूप से शारीरिक और जीन विनियमन पहलुओं पर शोध किया जाता है। अब तक इस प्रयोगशाला ने 5 फीड विकसित और मान्यकरण किए हैं। ये प्रयोगशाला महाशीर और इसके संरक्षण पर शोध कार्य भी कर रही है। इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने गोल्डन महाशीर की एंडोक्राइनोलॉजी और प्रजनन जीव विज्ञान पर गहन शोध कार्य किया है, जिसके परिणाम स्वरूप गोल्डन महाशीर की कैप्टिव परिपक्वता और बहुप्रजनन तकनीक विकसित की गई है, जिसका व्यवसायीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किया गया है। मुख्यतः यहाँ पे दो तरह के रिसर्च होते हैं, न्यूट्रिशन पे भी यानी कि फीड डेवलपमेंट के लिए और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इस महाशीर के लिए भी होती है। तो अभी तक तो देखा जाए तो इस प्रयोगशाला का जो जो योगदान है, जो अचीवमेंट्स है, उसमें देखा जाए तो रेनबो ट्राउट के लिए हमने यहाँ पे उसके ब्रूडर्स के लिए भी फीड डेवलप किया है, उसके बच्चों के लिए भी फीड डेवलप किया है, और उसके जो ग्राउट सिस्टम है, जो एडल्ट है, जो टेबल साइज फिश प्रोडक्शन करने के लिए रेनबो ट्राउट, उसके लिए भी हमने फीड डेवलप किया है। और वो फीड बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस फीड को हम फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के लेवल तक हम उसको पहुंचा चुके हैं और उसको कमर्शियलाइज भी कर चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल भारत में डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये आधुनिक सुविधा जल जीवों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुखतः ठंडी पानी की मछली प्रजातियों, जो क्षेत्र के मत्स्य पालन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, प्रयोगशाला में मछली जनसंख्या में बीमारियों का कारण बन सकने वाले बैक्टीरियल पैथोजेंस की पहचान करने और जांचने के लिए कटिंग एज डायग्नोस्टिक तकनीक और प्रौद्योगिकियों का उपयोग पर काम किया जा रहा है। लैब में पानी और मछली के नमूनों की जांच एवं विश्लेषण करके प्रयोगशाला मछली पालकों को जल्दी बीमारियों का निदान और प्रबंधन करने में मदद करता है। ICAR DCFR की डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला में ज्ञान के विकास और प्रभावी बीमारी प्रबंधन रणनीतियों के विकास में यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्य जारी है। ये हमारा डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी लैबोरेटरी है, जिस पे कि हम बैक्टीरियल फिश पैथोजेंस के ऊपर काम करते हैं। इस लैबोरेटरी में हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं, जैसे कि ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन फिश हेल्थ और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंडर हम 3 बैक्टीरिया को यहाँ पर टारगेट करते हैं, एरोमोनाड ग्रुप, स्टाफलोकोकस ऑरियस एंड ई कोलाई। और इस पे हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड स्टेट्स में हम काम करते हैं। और दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस लैब में रन हो रहा है, जो कि ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन फिश हेल्थ है, और इस प्रोजेक्ट के अंडर हम इफेकेसी और बायोसेफ्टी स्टडी करते हैं। डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला के बाद अब बारी है एक और महत्वपूर्ण लैब की, भू सूचना विज्ञान प्रयोगशाला। सुदूर संवेदन विज्ञान की मदद से पूरे हिमालय क्षेत्र, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पानी के संसाधनों का मापन पर काम करती है।
इन हिमालय राज्यों में कितनी नदियाँ, कितने तालाब, कितने उच्च हिमालय जल स्तर और कितने डैम द्वारा बनाए गए जल स्तर उपलब्ध हैं। इन सभी प्रदेशों में से उन स्थानों का चयन किया जाता है जहाँ फिशरीज डेवलपमेंट का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके, जिसके लिए जरूरी है पानी की गुणवत्ता की जांच, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच, भू संरचना की गुणवत्ता की जांच, बाजार, रोड, बिजली एवं रोड से फार्म की दूरी, बाजार से फार्म की दूरी। पर्वतीय क्षेत्रों में किन किन जगहों पे मच्छी पालन किया जा सकता है उसका हम शोध करते हैं यहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी वो चार चीज़ों की है। क्योंकि मछली का पालन विदाउट पानी पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए वो पानी है। कितना पानी है, कैसा पानी है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, वो हम रिमोट सेंसिंग GIS की बदौलत यहाँ पे उसका कार्य करते हैं। सेकंड, जो सॉइल होती है, मिट्टी किस प्रकार की है, क्या ये मिट्टी सही है मच्छी पालन के लिए या नहीं है, मिट्टी में ही तालाब बनाना चाहिए या उसके ऊपर कंक्रीट डालना चाहिए या हमें पॉलीथीन डालना चाहिए, ऐसा कार्य भी हम यहाँ पे करते हैं कि ये मिट्टी सूटेबल है फिश कल्चर के लिए या नहीं है। तीसरा, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, क्या वहाँ पे सड़कें अवेलेबल है, कितनी दूरी पे सड़क अवेलेबल है, मार्केट कहाँ है, कि इसका बीज कहाँ से हमें मिलेगा, दवाई कहाँ से मिलेगी, फीड कहाँ से मिलेगी, इसका भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं साइट सूटेबिलिटी एनालिसिस में। फाइनली होता है कि जो टोपोग्राफी है उस रीजन की, इसकी एलिवेशन कितनी है, इसका स्लोप कितना है, क्या वो सूटेबल है उस मच्छी पालन के लिए या नहीं है, तो उसका शोध भी हम यहाँ करते हैं। इन चारों को मिला के हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह सूटेबल है जहाँ पे मच्छी पालन किया जा सकता है। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहाँ जाए रिश्ता बनाए, गोल्डी मसाले। भूविज्ञान प्रयोगशाला में मछलियों के लिए उपयुक्त स्थिति, स्थान की पहचान के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं मत्स्य परजीवी विज्ञान एवं कवक प्रयोगशाला में। जानते हैं यहाँ हो रहे अनुसंधान एवं यहाँ की उपलब्धि को। प्रयोगशाला में NSPAAD परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर जैसे ठंडे पानी वाले राज्यों के विभिन्न मछली फार्मों से लगभग 2000 नमूने एकत्र किए हैं। यहाँ वैज्ञानिकों ने पानी की मछलियों से अर्गुलस और इच जैसे विभिन्न परजीवी रोग जनकों की भी पहचान की है। ऑल इंडियन नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर ठंडे पानी के जलीय कृषि के लिए एंटी पैरासिटिक दवाओं के विकास पर काम किया जाता है। यही नहीं, प्रयोगशाला वैज्ञानिकों की देखरेख में इन सिलिको ड्रग डिजाइन उपकरण विकसित करने पर काम हो रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के वैज्ञानिक से। फिश पैरासिटी और माइक्रोलॉजी लेबोरेटरी 2017 में स्थापना की गई है। कोल्ड वाटर फिश जिसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए यहाँ पे फंगल और फंगल लाइक पैथोजेंस का बहुत सारा ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है और कुछ एक्सटर्नल प्रोग्राम है जिसमें हमने फंगल और फंगल लाइक पैथोजन पे काम किया और हम पैरासाइट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। फंगल एंड फंगल लाइक पैथोजेंस में हमने जो पाया गया है वो सेप्रोरगनिया स्पीसीज पाया गया है। सेप्रोरगनिया स्पीसीज जैसे कि सेप्रोरगनिया पैरासिटिका, ऑस्ट्रेलिस और सेप्रोरगनिया डिक्लिना, और हम उसके कंट्रोल के बारे में भी काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने आजकल हमने बनाया है नैनो इमल्सन जो मछली के सभी लाइफ स्टेजेस में काम करता है, जैसे अंडे में भी उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको फिंगरलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और एडल्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत अफेक्टिव एक प्रोडक्ट है जो अभी हम लोग रिसेंटली काम कर रहे हैं और इसका टॉक्सिसिटी के ऊपर हम लोग चंपावत में भी काम कर चुके हैं और फार्मर के फील्ड में भी काम कर चुके हैं। और दूसरा, हम लोग पैरासाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो पैरासाइट्स हैं जैसे कि आर्गुलस पैरासाइट हो गया, आर्गुलस सियामेंसिस हो गया, आर्गुलस जापोनिकस हो गया, तो उस पर काम कर रहे हैं। अब बारी है एक और महत्वपूर्ण लैब की, एक्वाकल्चर प्रयोगशाला। यहाँ मछली के आहार का विश्लेषण किया जाता है, साथ ही यहाँ पर मछली पालकों के तालाबों के पानी के नमूनों का भी विश्लेषण किया जाता है। यदि तालाब के पानी में मछली पालन के लिए कोई भी कमी देखी जाती है तब पानी सुधार के लिए सलाह के साथ इसका समाधान भी बताया जाता है। यहाँ पर
रेनबो ट्राउट के अलावा कॉमन कार्प तथा स्नो ट्राउट का भी ट्रिपलाइट बनाया गया है। ये एक विदेशी मशीन है, इसमें हम मछली का जो अंडा होता है उस अंडे को फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें पानी के अंदर इस मशीन में रख देते हैं और इस मशीन में हम 9000 PSI का दबाव डालते हैं अंडे में, जिससे कि वो जो हमारा अंडा होता है वो डिप्लॉयड ना होकर ट्रिप्लॉयड हो जाता है और जो ट्रिप्लॉयड मछली होती है 20% अच्छी बढ़वार के साथ वो स्टराइल भी रहती है। जैसे कि रेनबो ट्राउट मांसाहारी मछली है, अगर वो फार्म से निकल कर हमारी नदी नालों में चली जाती है तो वो वहाँ ब्रीडिंग नहीं करती और जिससे कि उसकी पॉपुलेशन या उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हमारी जो देसी मछलियाँ हैं उस पर प्रभावी नहीं होती, जिसके कारण से जो भी हमारी देसी मछलियाँ हमारे नदी नालों में हैं वो सुरक्षित रहती हैं और इस तरह से हमारी मछली की बायोडायवर्सिटी सुरक्षित रहती है। ट्रिपलाइट रेनबो ट्राउट का बीज निदेशालय के फॉर्म पर उपलब्ध है। इस प्रयोगशाला से 7 अन्य मछलियों के प्रजनन तथा बीज उत्पादन की तकनीक विकसित की है। मंजिल तक पहुंचने में किन तकनीकों का साथ लिया यहां के वैज्ञानिकों ने, आइए जानें। इस लैब में हम जो पाली जाने वाली मछलियां हैं उनके बारे में जो भी अनुसंधान कार्य हैं वो किए जाते हैं। यहाँ पे जो पाली जाने वाली मछलियाँ हैं उनके आहार यहाँ पे बनाया जाता है फीड मील में और उस आहार को हम यहाँ पर, ये हमारे पास कई तरह की मशीनरी हैं, ये इक्विपमेंट हैं, इसमें हम मछली के आहार को एनालिसिस करके देखते हैं कि आहार के अंदर जितनी हमें आवश्यकता है वो तत्व उसके अंदर मौजूद है या नहीं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे किसान भाई अपने तालाबों के पानी के नमूने भेजते हैं तो इस प्रयोगशाला में हम अपने किसान भाइयों के जो भी भेजे गए पानी के नमूने होते हैं उसमें वो देखते हैं कि मछली पालन के लिए कितनी उपयुक्तता है या क्या कमी है। निदेशालय ने स्नातकोत्तर एवं PhD स्तर के छात्रों के शैक्षणिक एवं सहयोगी अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों, राज्य मत्स्य विभागों और अन्य संस्थानों के साथ MOU के माध्यम से संबंध बनाए हैं। यहाँ वैज्ञानिकों की देखरेख में अन्य संस्थानों के विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक पढ़ाई एवं PhD को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ऑल इंडियन नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन फिश हेल्थ में हूँ। इसमें हम बेसिकली एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग देख रहे हैं। हम यहाँ पे 4 एंटीबायोटिक्स अभी तक हमने टेस्ट करे हैं। PhD का जो मेरा काम था वो था फिश पैथोजन आइसोलेट करना, फिश के टिश्यू सैंपल से, और बायो सेफ्टी देखना था एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इन गोल्डन महासीर एंड रेनबो ट्राउट में, और इफिकेसी स्टडी देखनी थी गोल्डन महासीर और रेनबो ट्राउट में। DCFR भीमताल एक अग्रणी संस्थान है जो मत्स्य क्षेत्र में समस्याओं का समाधान लाभार्थियों तक पहुंचाने का अहम काम कर रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक शोध अनुसंधान से इस क्षेत्र की उन्नति में अग्रसर है। आधुनिक तकनीकों का समावेश भी यहाँ हो रहा है जिससे बेहतर परिणाम नजर आ रहे हैं। यहाँ का म्यूजियम, लाइब्रेरी, एक्वेरियम देखने लायक है। फार्म और हैचरी में हो रहे शोध कार्यों को जानना भी जरूरी है। यदि आप भी मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ने के इच्छुक हैं या फिर इससे जुड़े हुए हैं और उन्नति करना चाहते हैं तो ज्ञान अर्जित करने के लिए संस्थान का रुख कर सकते हैं। यहाँ का पता है शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, अनुसंधान भवन, औद्योगिक क्षेत्र, भीमताल, पिन कोड 263136, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। हमारे फोन नंबर हैं 5942-247-280 और 247-279। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है dircor.dcfr@icar.gov.in dcfrin@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए आप निदेशालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है www.dcfr.res.in। जानेंगे DCFR के बारे में सब कुछ, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा इंतजार। यदि आपके पास है हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव तो भेजिए हमें
हमारी ईमेल आईडी है shreshthsansthan.ddkisan@gmail.com। इस बार के सफर में बस इतना ही। एक बार फिर से मिलेंगे इस अंक के दूसरे भाग में। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। देश का एकमात्र ऐसा अनुसंधान संस्थान जिसने विशिष्ट तकनीक के प्रयोग से विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी मत्स्य प्रजाति को एक नया जीवन दिया है। इन 35 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने और कई प्रदेश जो हैं उनके क्षेत्रों का जो है सर्वे किया है और ये पाया है कि कैसे जो है किस तरह की मछलियां पाई जाती हैं, और अभी तक करीब 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 250 के आसपास मछली की प्रजातियों का पता लगा है। हम आपको लेकर चलेंगे शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल। अगर आप भी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, मत्स्य पालन के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो देखना मत भूलिए श्रेष्ठ संस्थान रविवार रात 8 बजे एवं पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर दूरदर्शन किसान चैनल पर। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, थोड़ा जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली दिन का उठाना पड़ता है। कृषि स्टार्टअप देखिए हमारे साथ सिर्फ डीडी किसान पर, हर शनिवार रात 9:30 और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बदलते भारत की शान।